आजकल दवाई में भी मिलावट होने लगी है। इतना इंजेक्शन देने के बाद भी इसके हाथ पैर चल रहे। गजेंद्र, रिपोर्ट लिखो इनकी। सर, हमें भी एक एफआईआर लिखवानी है। लेकिन पहले आप लोगों के खिलाफ हॉस्पिटल में हंगामा करने की रिपोर्ट तो लिख लूं। अस्कुर है, पागल हूं क्या मैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही। जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। तुमने तो कहा था तुम तीन लोगों के पास में लिफ्ट की चाबी है, तो फिर तुमने लिफ्ट के लिए नीचे फोन क्यों किया? भाई बात ऐसी है ना कि ये बेसमेंट हॉस्पिटल के नक्शे में ही नहीं है। अब तक किसी को नहीं पता कि इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई बेसमेंट है जहां पर इतने बड़े बड़े कांड होते हैं। बाहर से कोई भी इस बेसमेंट में तो क्या इस लिफ्ट में भी नहीं आ सकता। यहाँ नीचे है ना एक ताला है, और वो ताला खुलने के बाद ही ये लिफ्ट नीचे जा सकती है। इसलिए बाहर से कोई गलती से बेसमेंट में आ भी गया ना, तो हमारी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकता। मतलब तेरी दाई मां और भावना की मर्जी से। देखो ये अपना ही आदमी है, लेकिन सिर्फ आज के दिन के लिए। और ये नाइफ नीचे रखो, सर्जिकल नाइफ जाकर जगह पर रख दो, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए। पता नहीं कहाँ गायब होगी हॉस्पिटल से। परी को ढूंढने में मुझे उसकी हेल्प चाहिए। मैं जानती हूँ संजय उसे ढूंढ लेगा। कैसी बातें कर रही है पुत्र। अच्छा ही हुआ वो चली गई यहाँ से, पीछा छूटा हमारा। ज्यादा सी आपा मत कर उसके लिए, जाने दे। आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? उधर मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने लग रहा है कि शादी से बचने के लिए ना वो बरनाला चली गई। कहीं नहीं मिल रही ना वो, तो और कहाँ जा सकती है। अच्छा युवा कर चली गई, फिर छूटा उससे हमारा। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकती, वो कहीं नहीं गई है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। सुन नीति, कहाँ जा रही है? शिल्पा मिल गई। कोई क्यों नहीं सुन रहा है मेरी? हाँ करिंदर, तेरी जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जिस कुड़ी ने तेरे पुत्र दे वास्ते अपना सिंदूर, अपना मंगलसूत्र सब कुछ कुर्बान कर दिया, तू उसके बारे में ऐसा सोचती है? शर्म आती है मुझे तेनु अपनी देवरानी कहते हुए। गलती का एहसास? अरे आपको एहसास है कि एक लड़की हॉस्पिटल से गायब हो गई है? हमें ये तक नहीं पता कि उसका किडनैप हुआ या कुछ और। आपको मुझसे माफी चाहिए ना? मैं एक बार नहीं 100 बार आपसे माफी मांगूंगा। बस आप परी को ढूंढ दीजिए प्लीज। अरे चक्कर क्या है? जो भी आता है वो सिर्फ परी की ही बात करता है, सब लोग बड़े फिक्रमंद है उसके लिए। अरे ऐसा है क्या उस लड़की में? वरना जैसा उसका केस है, शरीफ लोग उसको अपने घर में नहीं रखेंगे। एक सेकेंड सर, बोलना क्या चाहते हैं आप? जो लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए उसके लिए कोई क्या करे? अपना मुंह बंद रख और एक बार ये दरवाजा खोल, फिर बताता हूं मैं तुझे। तू मुझे बताएगा? चुप, तू बताएगा मुझे? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या बताएगा? क्या बताएगा मुझे? इंस्पेक्टर साहब नहीं, बोल। इंस्पेक्टर साहब नहीं, नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं, छोड़ दीजिए इसे। प्राची, प्राची आप आ गए। प्राची कैसे भी करके संजू को यहाँ से निकालिए, बचा लीजिए इसे। ये पागल ना, इंस्पेक्टर से लड़ लिया, इसे छुड़ा लीजिए। घर तो टेंशन ना ले बिल्कुल। मैंने पिछली बार तुझे छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं डालूंगी तुझे। बता परी कहाँ है? प्लीज मुझे नहीं पता। नहीं पता है? मरना चाहती है? मार डालूंगी, सच बोल रही हूँ मैं। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता। मुझे पता है, तुझे पता है। सच में नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे पता है, तुझे पता है, प्लीज मुझे बता दे। प्लीज मैं सच में मार डालूंगी तुझे। मुझे मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता मुझे। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा दी, ये तो मुझे मार ही देती। जय, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इसके हाथ पैर कस के बांधते हैं, क्योंकि इसे होश आया तो हमारा काम खराब करेगी, और हम नहीं चाहते कि हमारा काम खराब हो। बांध दो। तरीके से परी का अबॉर्शन नहीं होने दूंगी। यही तो बात है रिधि, तो मुझे नहीं पहचान पा रही हो, मुझे समझ में आता है, पर मैं
तुम्हें क्यों नहीं पहचान पा रहा हूं? एक तरफ तो तुम परी से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी शादी मुझसे करवा रही हो, और तुम्हें पता है कि मैं शादी तभी करूंगा जब परी का आभूषण होगा। तो फिर तुम बार 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 मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रही हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैं आभूषण के खिलाफ हूँ, लेकिन परी की जान को खतरे में डाल के मैं ये आभूषण नहीं होने दूंगी। और ये हॉस्पिटल से ज्यादा मुझे कब्रिस्तान और कसाई खाना लग रहा है। देख निधि, दो दिन के बाद शादी है, लेकिन आभूषण का वक्त नहीं मेरे पास। जो है हमारे पास ये सब कुछ है, इसी में करना है परी का आभूषण। नहीं होगा इस जगह तो परी का आभूषण बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। आभूषण तो होगा ही निधि। देख बहुत कुछ मैं बहुत सारे रिस्क ले चुका हूँ, अब मैं पीछे तो नहीं हट सकता। पर मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगी, समझा? अरे पागल लड़की हो गई है क्या तू? अपने पैर पर खुद क्यों कुल्हाड़ी मार रही है, मूर्ख कहीं की? बेबे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको हर सही चीज को गलत तरीके से करने में क्या मजा आता है। क्या आप नहीं जानती कि उस डायमंड ने कितनी लड़कियों की जान ली है? परी को कुछ नहीं होगा। अरे पूछो मत, वो तो टोटल फिल्मी कहानी है। वो जब नीति बेहोश हो गई थी ना, तब उसने दो नर्स को बात करते हुए सुना था कि परी अभी बेसमेंट में। और जब नीति को होश आया, नर्स से पूछा, तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। तब नीति ने उसके गले पर चाकू लगाया, तब जाकर उसने हमें बताया कि बेसमेंट का रास्ता कहाँ से है। पर जब तू हमें बेसमेंट में नहीं मिली ना पुत्र, तो हम बहुत घबरा गए थे। हमें लगा तू ठीक है या नहीं। सच क्यों होया? परी, परी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? हाँ कुछ नहीं थी, वो मेरी वजह से आप सबको कितनी ज्यादा परेशानी हुई, नीति को कितनी ज्यादा परेशानी हुई। I'm sorry, परी, पर नीति कहाँ है? हाँ संजू, नीति कहाँ तुम? अरे वो रूम में, अपने रूम में हूँ। अच्छा बाहर ड्राइंग रूम में आ जाओ, परी घर आ गई है। ओह तो तुम आ गए हो, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ